In today's lecture, we will see some special cases of assignment model. ठीक है, जैसा कि हमने transportation model में भी कुछ case देखे थे, in assignment model there are some special case. तो number one is non-square problem. तो जैसे कि हमने देखा था, पहली condition जो होती है वो square matrix की होती है. ठीक है, square matrix has to be there. अगर square matrix नहीं है, then we need to convert that matrix into a square matrix. उसके लिए हम क्या करेंगे, डमी रो या डमी कॉलम ऐड कर देंगे. मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो जैसे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखा था, हम लोग कॉस्ट को फोकस कर रहे थे. इफ द कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन, वी आर फोकसिंग ऑन द कॉस्ट. अगर प्रॉफिट मैट्रिक्स दे रखी है, तो प्रॉफिट मैट्रिक्स को पहले हमें कॉस्ट मैट्रिक्स, हमें मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम को मिनिमम प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और बिल्कुल वैसा ही रूल है जैसे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में देखा था. नाउ रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है कि सपोज सपोज जॉन नंबर 3 है, वो मशीन नंबर 4 में प्रोसेस नहीं हो सकती है, तो वो रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट हो गई. प्रॉब्लम विद अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ये हमने डिस्कस किया था उस दिन भी. इफ देयर इज अ टाई इन जीरो, अगर जीरो में टाई आ रहा है, बहुत सारे जीरो हो जा रहे हैं और किसी भी रो और कॉलम में जीरो जो है, सिंगल जीरो आपको नहीं मिल पा रहा है, देन यू नीड टू चूज द जीरो रेंडमली. ठीक है, तो रेंडमली अगर आप रेंडमली अगर चूज करोगे, तो यू विल गेट द मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल ऑफ नॉन स्क्वायर प्रॉब्लम. ठीक है, लेट अस से द केस नंबर 1, नॉन स्क्वायर प्रॉब्लम. तो लेट अस सी द पी क्यू आर एस टी यू, दीज आर द मशीन. ठीक है, और ए बी सी डी दीज आर द जॉब्स. ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं. तो हेयर नंबर ऑफ जॉब्स टू बी प्रोसेस आर ए बी सी डी ई 5, बट नंबर ऑफ मशीन्स आर 6. सो वन मशीन विल बी रिमेन आइडल. ठीक है, आइडल हो जाएगी. आइडल का मतलब आप समझते हो, खाली हो जाएगी, इसका कोई यूज नहीं होगा. तो ये 5 जॉब कौन सी 5 मशीन पे बनाऊ, ये मुझे डिसाइड करना है. That has to be decided by assignment model. But before I apply the assignment model, I need to check whether there is a square matrix or no. तो बताओ ये square matrix है? No sir. Square matrix नहीं है. नहीं है. ठीक है. तो square matrix नहीं है. Number of jobs are less than number of machine. तो मुझे क्या करना है? Dummy column add करूँ या dummy row add करूँ? डमी रो एड हो जाएगी. तो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर मैंने एक डमी जॉब बना दी. ठीक है, और उस डमी जॉब को प्रोसेस करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोसेसिंग कॉस्ट जो होगी वो जीरो ही होगी, डमी है, कहीं भी आप प्रोसेस कर लो उसे, कोई जॉब है ही नहीं, तो उसकी कॉस्ट भी जीरो होगी. तो टू अप्लाई द असाइनमेंट मॉडल, असाइनमेंट मॉडल लगाने से पहले जो पहली जो कंडीशन है, इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हमने इसे स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया. तो लेट अस टेक, वी हैव कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने दैट डमी जॉब के रिस्पेक्ट में मैंने 0-0 कॉस्ट मैंने असाइन कर दी. नाउ दिस मैट्रिक्स इज 6x6. तो जब मैं इटरेशन करूंगा, यानी जब मैं पहला असाइनमेंट करूंगा, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट 6 आने चाहिए. अगर 6 नहीं आएंगे, दैट विल लीड टू द नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अच्छा, जो लोग पहली बार भी अगर क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज आप ध्यान से सुनते रहना. अगर आपका पिछला लेक्चर भी अगर मिस हो गया है, तो बहुत ध्यान से सुनना. इस क्वेश्चन में ही आपको लगभग 70% तो समझ में आ जाएंगे. जितने भी स्टेप होंगे वो मैं रिपीट करते हुए चलूंगा. दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंथी, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, हैव पेशेंस. ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कर लिया. नेक्स्ट स्टेप इज रिड्यूस द कॉस्ट मैट्रिक्स, रिड्यूस द कॉस्ट मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन. तो विच वन इज मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस रो, मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस रो नंबर 1 इज 8. तो 8 को माइनस कर दूं मैं रो नंबर 1 के ईच एंड एवरी एलिमेंट से. 12 माइनस 8 विल बी 4, इसको मैंने कर रखा है ऑलरेडी. ठीक है, 12 माइनस 8 will be 4, 12 minus 10 minus 8 will be 2,
8 विल बी 7, 22 माइनस 8 विल बी 10, 8 माइनस 8 विल बी 0, ठीक है। तो रो नंबर 2 में मिनिमम एलिमेंट क्या हो गया, इट विल बी 10, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। मिनिमम एलिमेंट इन रो नंबर 3 इज 3, तो 3 को माइनस कर दूं मैं, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो इसी तरीके से R4 और R5 और R6, R4 में मिनिमम एलिमेंट क्या हो गया 6, तो 6 को मैंने माइनस कर दिया, 6 माइनस 6 हो जाएगा, इसको मैं स्किप कर दूं, तो डमी मैट्रिक्स हमें पहली मैट्रिक्स मिलेगी रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स बाय रो, ठीक है, हो जाएगा। इसी तरीके से R5 में मैंने मिनिमम एलिमेंट देखा 7, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, ठीक है, आई गॉट द रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स। और R6 में तो कुछ है ही नहीं, 0 ही है, तो 0 माइनस 0 सब कुछ 0 ही 0 हो जाएगा, तो R6 को मैंने एज इट इज उतार दिया। नाउ कैन आई शुड आई परफॉर्म द रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर कॉलम, आंसर तो जरा इस क्वेश्चन का, do I need to perform the reduced cost matrix for the column in this question? देखो कॉलम में तो ऑलरेडी जीरो आ गया, do I need to perform the operation in column? देखो यहां पर मैंने रो रो ऑपरेशन कर लिया, रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स मिल गया, अब मैं कॉलम में चेक कर रहा हूं, तो कॉलम में तो ऑलरेडी जीरो है, सारे कॉलम में जीरो है, तो रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स बाय कॉलम, तो इसको इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट देने से पहले मुझे ये चेक करना होता है कि इन एवरी रो और एवरी कॉलम में एक सिंगल जीरो आ जाए, तो रो में तो सिंगल जीरो आ गया, कॉलम में ऑलरेडी है सिंगल जीरो, एक से ज्यादा है, एक जीरो तो होना चाहिए कम से कम, तो एक जीरो है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिड्यूस मैट्रिक्स विच इज रेडी टू गिव द असाइनमेंट, ठीक है, लेट अस स्टार्ट द ऑपरेशन। लेट अस स्टार्ट द ऑपरेशन इन दिस, दिख रहा है आपको स्क्रीन, दिख रहा है? नाउ इन द रो नंबर वन सिंगल जीरो इज देयर, सिंगल जीरो को मैंने असाइनमेंट दे दिया, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कॉलम वाले जीरो को स्ट्राइक आउट कर दिया। इन रो नंबर 2 चेक वेदर देयर इज अ सिंगल जीरो और नॉट, तो रो नंबर 2 में सिंगल जीरो है, तो सिंगल जीरो में मैंने असाइनमेंट दे दिया। जब सिंगल जीरो को असाइनमेंट दिया, इसके रिस्पेक्ट में जो जो कॉलम वाला जीरो है, इन दोनों को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा मुझे? आ रहा है सर, ठीक है, बताते जाना, फिर मुझे पता नहीं चलेगा। तो रो नंबर 2 में मैंने देखा सिंगल जीरो मिल गया मुझे, ना रो नंबर 2 में जब सिंगल जीरो मिल गया, उसके रिस्पेक्ट में कॉलम वाले जीरो को स्ट्राइक आउट कर दिया। रो नंबर 3 में मैंने चेक किया, फिर से मुझे सिंगल मिल गया, सिंगल जीरो मिला है मुझे, मैंने असाइनमेंट दे देनी है या बॉक्स क्रिएट कर देना है। रो नंबर 3 में सिंगल जीरो मिला, उसके रिस्पेक्ट में कॉलम नंबर 3 वाले जीरो को मैंने क्रॉस आउट कर दिया। रो नंबर 4 में कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है, रो नंबर 5 में जीरो अवेलेबल है, तो इस जीरो को मैंने असाइन कर दिया। इस जीरो को जब असाइन किया, तो रो नंबर कॉलम नंबर 4 वाले जीरो को स्ट्राइक आउट कर दिया। और रो नंबर 6 में सिंगल जीरो नहीं है, यहाँ पर दो जीरो है, तो स्किप कर दूंगा मैं रो नंबर 6 में। नाउ आई विल कम टू द कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है, कॉलम नंबर 2 में देखो आप, कॉलम नंबर 2 में एक जीरो अवेलेबल है, तो ये जीरो अवेलेबल है, उसको मैंने असाइनमेंट दे दिया, ठीक है। कॉलम नंबर इसको जब असाइनमेंट दिया, तो
तो इसके रिस्पेक्ट में जो रो है वो मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। अब कॉलम नंबर थ्री में देखो, आप कॉलम नंबर थ्री में क्या जीरो है? नहीं है। कॉलम नंबर फोर में क्या जीरो है? नहीं है। कॉलम नंबर फाइव में कोई जीरो है? नहीं है। और कॉलम नंबर सिक्स में भी कोई जीरो अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी जीरो क्या देख पा रहे हो आप? कोई भी जीरो पूरी मैट्रिक्स में क्या कोई भी अवेलेबल जीरो आप देख पा रहे हो पूरी मैट्रिक्स में? नो सर। ठीक है, तो यहां पर ये ऑपरेशन रुक गया। नाउ आई नीड टू चेक वेदर दिस असाइनमेंट इज ऑप्टिमल और नॉन ऑप्टिमल। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू फाइव। वन टू एक थ्री मैं फोर फाइव, फाइव हो गए। और वो सिक्स है। और रो कितने हैं? सिक्स। इट शुड बी आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ रो और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इट इज लेस देन सिक्स। नंबर ऑफ असाइनमेंट हमें कितने चाहिए थे? सिक्स, और जबकि आए हमारे फाइव। इट मीन्स दिस लीड टू एन नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन। नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो फर्दर विद द हेल्प ऑफ द हंगेरियन मेथड, विद द हेल्प ऑफ हंगेरियन मेथड वी नीड टू इटरेट। ठीक है, हमें फिर से इटरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैन वी डू द ऑपरेशन? क्या करेंगे हम? जो भी नॉन असाइंड रो है, तो यहाँ पर नॉन असाइंड रो कौन सी है? रो नंबर वन में एक असाइनमेंट है, रो नंबर टू में भी है, रो नंबर थ्री में, रो नंबर फोर। रो नंबर फोर इज नॉट असाइंड। तो रो नंबर फोर अगर असाइन नहीं है तो मैंने इसके रिस्पेक्ट में क्या किया? इसको मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, नॉन असाइंड को टिक लगा देते। ठीक है, इसको मैंने टिक लगा दिया, इसको टिक लगा दिया। इसके रिस्पेक्ट में जो क्रॉस असाइन जीरो कॉलम। है, असाइन नहीं नॉन असाइन कॉलम, जो क्रॉस जीरो है, क्रॉस जीरो है, इसको मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, जो क्रॉस जीरो है उसको मैंने टिक लगा दिया। अब इस कॉलम नंबर वन के रिस्पेक्ट में मैंने असाइन जीरो देखा, असाइन जीरो में रो नंबर टू में, तो रो नंबर टू में टिक लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर जो अब रो नंबर टू में देखो क्या कोई क्रॉस जीरो है? नहीं है। तो यानी टिक वाला ऑपरेशन यहां पर खत्म हो गया, टिक वाला ऑपरेशन खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे लाइन को क्रॉस करना है। तो लाइन क्रॉस करने के लिए हमारे पास रूल क्या था? अनटिक रो और टिक टिक कॉलम। कॉलम। तो अनटिक रो एंड टिक कॉलम। तो अनटिक रो कौन सी हो गई? ये अनटिक रो हो गई। ठीक है, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री, रो नंबर फोर और रो नंबर फाइव एंड रो नंबर सिक्स। टिक कॉलम कौन सा हो गया? कॉलम नंबर वन। कॉलम नंबर वन इज द टिक कॉलम। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है? अब हमें नई मैट्रिक्स चाहिए। अब नई मैट्रिक्स हम कैसे देखेंगे? विच वन इज रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मैट्रिक्स जो कि क्रॉस आउट नहीं हुआ, मतलब ये जो लाइन जो है। अच्छा, यू हेयर यू कैन ऑल्सो चेक हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइन्स आर देयर। नंबर्स ऑफ लाइन जो है वो हमेशा लेस देन रिक्वायर्ड असाइनमेंट से ही के बराबर ही आएंगे। टिक वाले और बता देना टिक कैसे लगाया था। टिक कैसे लगाया था? सी, समझ नहीं आया सर। जो नॉन असाइन, उसको ध्यान से सुनो आप, जो कि नॉन असाइन रो है। नॉन असाइन रो कौन सी थी? रो नंबर फोर। यस सर, दिख रहा है नंबर कर्सर? कर्सर दिख रहा है मेरा? मेरा कर्सर यस देख पा रहे हो क्या आप लोग? ये रो नंबर फोर हो गया। रो नंबर फोर के रिस्पेक्ट में टिक लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इस रो नंबर फोर को मैंने ऑब्जर्व किया, जहां भी मुझे क्रॉस जीरो दिखा उस वाले कॉलम को मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, अब इस कॉलम नंबर वन को मैंने ऑब्जर्व किया, जहां भी मुझे असाइन जीरो दिखा उसको मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, अब रो नंबर टू को मैंने फिर से देखा, क्या कोई क्रॉस जीरो है? नहीं है, तो ये टिक वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। मतलब जब हम रो में देख रहे हैं तो हम जब हम रो को देख रहे हैं तो क्रॉस जीरो देख रहे हैं, और जब हम कॉलम
मेन जीरो देख रहे हैं, इन दोनों जीरो में डिफरेंस है। जो क्रॉस लगा हुआ है ये क्रॉस जीरो है, और जहां पर बॉक्स बने हुए हैं उसे मैं असाइंड जीरो कह रहा हूँ। जब मैं कॉलम को देख रहा हूँ तो मैं असाइंड जीरो के रिस्पेक्ट में रो में टिक लगा रहा हूँ, जब मैं रो को देख रहा हूँ तो क्रॉस जीरो के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर कॉलम में टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी आपको आ जाएगा समझ में। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, अगली बार में और अच्छे समझ में आ जाएगा। नाउ नंबर ऑफ जो लाइन है जी, मैंने कितनी क्रॉस करी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नंबर ऑफ लाइन कितनी क्रॉस करी मैंने, 5। ठीक है, तो दिस 5 इज लेस देन 6, तो ये भी एक एक तरीके से एक इंडिकेशन है। दिस इज अनदर मेथड टू टू नो वेदर अवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉन ऑप्टिमल। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस इज लेस देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट, दिस शोज एन नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये नंबर ऑफ लाइन अगर आपकी 3 आ रही होती है, 4 आ रही होती है, या हो सकता है 6 आ जाती है, इसका मतलब आप कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। यानी टिक वाला जो रो और कॉलम को जो आपने टिक किया है वो उसमें करने में कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन जो आपने क्रॉस आउट करी वो भी 5 ही आएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन करके देखना, उसमें भी 5 ही आएंगे। नाउ वी कैन फर्दर देखो, अब रिमेनिंग पोर्शन कितना बचा, इस 8, 15, 5, 6 एंड 2, ये रिमेनिंग पोर्शन बचा। दिस 8, 4, 7, 7, 6, ये रिमेनिंग पोर्शन है, जो कि जहां से लाइन जो है ये क्रॉस लाइन जो है नहीं जा रही है। 8, 4, 7, 7, 6 एंड दिस 2, और कौन सा है रिमेनिंग, बस यही दोनों रिमेनिंग है, बस यही दोनों रिमेनिंग है ना, 8, 15, 5, 6, 2। तो विच वन इज मिनिमम एलिमेंट, दिस 2 इज मिनिमम एलिमेंट। जहां से लाइन हमारी क्रॉस नहीं हो रही है उसमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओनली 10 एलिमेंट्स, 10 सेल्स आर रिमेनिंग, एंड अमंग दिस 10 सेल 5 सेल्स आर देयर, 5 सेल्स आर अबव। अमंग दिस 10 सेल ओनली दिस 2 इज मिनिमम, तो इस 2 को मैंने माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग सेल है उसमें मैंने माइनस कर दिया। तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसमें देखो आप, 8, 4, 7, 7, 6 में 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ आपको ये देखना है कि जो लाइन है ये क्रॉस जो कर रही है, जो प्लस का साइन बना रही है, कहाँ पर ये प्लस का साइन बना रही है। तो देखो कॉलम नंबर 1 ही था हमारा, तो यहाँ प्लस का साइन बना रही है, 4, 8, 1 और 0, यहाँ 4 जगह प्लस का साइन बना रही है। तो 4 प्लस कितना करूं मैं, जहां जितना माइनस के उतना ही प्लस करूं मैं, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10। ठीक है, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, और 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2। ठीक है भाई, आ गया समझ में। यस अब सर, देखो नेक्स्ट, बाकी की जो मैट्रिक्स है वो मैंने एज इट इज उतार दी, तो बताते जाना मुझे क्या उतारना है, 2, 7, 14, 10, 0। ठीक है, 7 यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ हो जाएगा 7, 0, 5, 2 एंड 6। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1, 5, 4, सॉरी यहाँ गलत हो गया, वन वन को हमने ऐड कर दिया था, वन को हमने ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5, 5, 4, 0, 6, 3। यहाँ पर क्या था, यहाँ तो सब 0 ही 0 था, डमी वाला था, ये 0 0 था। आ गया भाई, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक यस सर। ठीक है, नाउ वी कैन गिव द असाइनमेंट, नाउ वी कैन स्टार्ट गिविंग द असाइनमेंट। ठीक है, नाउ सिंगल जीरो इन रो नंबर 1,
सिंगल जीरो इज दिस, तो जैसे ही सिंगल जीरो मिला मैंने इसे असाइनमेंट दे दिया। अब जब इसे मैंने असाइनमेंट दिया तो क्या होगा, इन रो नंबर वन सिंगल जीरो इज देयर, तो इसके रिस्पेक्ट में जो कॉलम है वो तो मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। नाउ चेक द रो नंबर टू, अगेन आई फाउंड द सिंगल जीरो, तो ये वाला जीरो तो कट हो गया, ये तो काउंट ही नहीं होगा, तो ये सिंगल जीरो मुझे मिल गया, तो इस सिंगल जीरो को मैंने असाइनमेंट दे दिया और इसके रिस्पेक्ट में बाकी के जो जीरो हैं कॉलम के वो मैंने स्ट्राइक आउट कर दिए। अब चेक द रो नंबर थ्री, अगेन आई फाउंड द सिंगल जीरो, इसको मैंने पकड़ लिया, तो जैसे इसको पकड़ा इसके कॉलम को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। रो नंबर फोर में कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है। रो नंबर सिक्स में सिंगल जीरो है, यस इट इज देयर, सिंगल जीरो है, मुझे सिंगल जीरो मिल गया, मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। रो नंबर सिक्स, रो नंबर सिक्स में सिंगल जीरो नहीं है, ठीक है, तो रो नंबर सिक्स में नहीं है, तो मैं कॉलर नंबर वन में चला जाऊं, कॉलर नंबर वन में कोई अवेलेबल नहीं है। कॉलर नंबर टू, यस इट इज देयर, सिंगल जीरो इज देयर, तो सिंगल जीरो के रिस्पेक्ट में मैं स्ट्राइक आउट कर दिया। ठीक है, अब मुझे देख के बताओ क्या कोई और जीरो अवेलेबल है, कोई नो और जीरो सर, अवेलेबल नहीं है। नाउ आफ्टर दिस इटरेशन नंबर वन, ये आपकी क्या हो गई, इटरेशन नंबर वन हो गई, तो इटरेशन नंबर वन के बाद कोई रिजल्ट निकला, नहीं निकला, इटरेशन नंबर वन के बाद भी कोई नो रिजल्ट सर, निकला नहीं। नंबर ऑफ असाइनमेंट इज आर, टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट अभी भी पांच ही आई, और हमें चाहिए कितनी थी, सिक्स चाहिए थी, ठीक सिक्स है, तो मैं क्या करूंगा फिर से इटरेशन करूंगा, टिक और अनटिक वाला, सॉरी टिक वाला मैं इटरेशन फिर से करूंगा, ठीक है। तो वैसे तो एग्जाम में आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी चाहिए, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ जो भी मुझे इटरेशन नंबर वन के बाद मिल रही है। तो अब फिर से देखना, अभी जो टिक वाला जो क्वेश्चन मुझसे जो पूछ रहा था, बहुत ध्यान से देखना, विच वन, कौन सी ऐसी रो है जो कि अनअसाइंड रह गई है, दिस इज रो नंबर थ्री, सॉरी रो नंबर फोर, ठीक है, तो रो नंबर फोर में मैंने क्या कर दिया, टिक लगा दिया, रो नंबर फोर में टिक लगा दिया, ठीक है, तो रो नंबर थ्री के रिस्पेक्ट में क्रॉस जीरो कौन सा है, कॉलम नंबर वन में, इसमें मैंने टिक लगा दिया। जब मैं रो का टिक देखूंगा तो मैं कॉलम के रिस्पेक्ट में देखूंगा, जब मैं रो का टिक लगाऊंगा तो कॉलम में मैं क्रॉस जीरो देखूंगा, ठीक है, तो कॉलम नंबर वन आ गया, कॉलम नंबर में टिक है, आप कॉलम नंबर वन को ऑब्जर्व करो, विच वन इज बॉक्स, यानी असाइन असाइन जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो रो नंबर टू में मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। अब रो नंबर टू को ऑब्जर्व करो, क्या कोई क्रॉस जीरो है यहाँ पर, कॉलम नंबर फाइव में है, तो कॉलम नंबर फाइव में मैंने टिक लगा दिया, ठीक है, आ रही है समझ में, नहीं, अब कॉलर नंबर फाइव, सॉरी कॉलर, हाँ नहीं आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, सर, समझ नहीं आ रहा। पिछले लेक्चर में थे आप, नहीं सर, नहीं थे, हाँ सर इस चीज को तो स्पेशल नोट्स में डालना चाहिए, मतलब हाईलाइट करके सर, ये चीज बहुत कैसे स्पेशल, इम्पोर्टेंट है, टिक वाली, मतलब ये नहीं जैसे, स्पेशल नोट्स में डाल रखी है मैंने, उस दिन मैंने बताया तो था आपको, अभी फिर से दिखा दूंगा इसको, मैं फिर से दिखा दूंगा, मैंने नोट्स में डाल रखी है, और मैं तो सारे वीडियो लेक्चर भी दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं तो सारे वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे दे दे रहा हूँ, सर ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये इस वीडियो का भी मैं डाल दूंगा विद इन अ वीक, अप टू फ्राइडे में डाल दूंगा इसे एडिट करके, ठीक है, सर फिर से देखो आप, अभी भी जो नोट्स में ये टिक वाली बात है ये मैंने नोट्स में लिख रखी है, अभी मैं दिखा दूंगा, पहले आप क्वेश्चन फिर से देखो आप, तो है, देखा है सर। ठीक है। नाउ विच वन इज अनअसाइंड रो, कौन सी ऐसी रो है जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है, दिस इज रो नंबर फोर, ठीक है, रो नंबर फोर को मैंने टिक कर दिया, यहाँ भी कोई भी असाइनमेंट नहीं हुई थी। अनअसाइंड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो जॉब नंबर डी है इसके लिए कोई भी मशीन मैंने दी नहीं असाइनमेंट मॉडल में, जॉब नंबर डी तो प्रोसेस होना ही यस सर, होने से रह गया, इसीलिए मैं इसे अनअसाइंड कह रहा हूँ। इस अनअसाइंड रो के रिस्पेक्ट में मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो एक क्रॉस जीरो मिल गया मुझे, इस क्रॉस जीरो के रिस्पेक्ट में उस कॉलम को मैंने टिक कर दिया, यानी कॉलम नंबर वन को मैंने टिक कर दिया। अब कॉलम नंबर वन को मैंने ऑब्जर्व किया, कॉलम नंबर वन में जो भी बॉक्स वाला जीरो है उसके रिस्पेक्ट में मैंने रो को टिक कर दिया, यानी रो नंबर टू को मैंने टिक कर दिया, ठीक
ठीक है। अब रो नंबर टू को मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे ही मुझे क्रॉस जीरो दिखा, जब मैं रो को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं क्रॉस जीरो देख रहा हूं, और जब मैं कॉलम को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं बॉक्स वाला जीरो देख रहा हूं। बस यही बात समझनी है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यस सर, को लगता है बॉक्स और रो में क्रॉस। हाँ, रो में क्रॉस, ठीक है। तो रो नंबर टू में मुझे क्रॉस जीरो दिख गया, तो क्रॉस जीरो जैसे ही दिखा कॉलम नंबर सिक्स में मैंने टिक लगा दिया। तो कॉलम नंबर सिक्स में मैंने ऑब्जर्व किया असाइन जीरो, तो मैंने असाइन जीरो किसमें था, रो नंबर वन में, तो रो नंबर वन में मैंने टिक लगा दिया। तो टोटल टिक मुझे, तीन टिक मुझे रो में मिल गए और दो टिक मुझे कॉलम में मिल गए, ठीक है भाई। यस सर, दो टिक मुझे कॉलम में मिल गए। यस सर, नाउ अनटिक रो एंड टिक कॉलम, ये मैंने लाइन स्ट्राइक आउट कर दी, अनटिक रो एंड टिक कॉलम। अनटिक रो कितनी है, देर आर थ्री रोज विच आर अनटिक, ठीक है। अच्छा, यहां अगर मैं उल्टा कर दिया, आपने टिक रो और अनटिक कॉलम अगर कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, फिर कुछ नहीं बचा, फिर जीरो ही नंबर मिलेंगे। नाउ अनटिक रो एंड टिक कॉलम, ठीक है। ये टिक कॉलम हो गया कॉलम नंबर वन और कॉलम नंबर सिक्स, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आ गया। अब बताओ जरा मुझे रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बची, रिमेनिंग मैट्रिक्स क्या बची, हाउ मेनी बॉर्डर लाइन्स आर देयर, हाउ मेनी क्रॉस लाइन्स आर देयर, जरा फिर से काउंट करो, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो ये हमने चेक कर लिया, इट मीन्स वी आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। अगर आपकी बॉर्डर लाइन सिक्स आ जाती, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये बॉर्डर लाइन जो आएंगी, जो क्रॉस लाइन आएंगी, दिस विल बी द लेस लेस देन द रिक्वायर्ड असाइनमेंट, एंड द रिक्वायर्ड असाइनमेंट इज इक्वल टू आइदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यानी छह से कम आ गए, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, वी आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। नाउ अब देखो जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बच गई हमारी, ठीक है। मैं इसको ज्यादा पेन से नहीं चला रहा हूँ, घिचपिच हो जाएगी। ये मैट्रिक्स बच गई, ये मैट्रिक्स बच गई, ये जहां पर कोई भी लाइन, कोई भी क्रॉस लाइन पास आउट नहीं। नाउ अमंग दिस रिमेनिंग पोर्शन विच वन इज मिनिमम एलिमेंट इज टू, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट हो गया टू, अब टू को मैं माइनस कर दूंगा, टू माइनस टू इज जीरो, और उसी रिस्पेक्टिव सेल में देखूंगा, सेवन माइनस टू इज इक्वल टू फाइव, फोर्टीन माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेल्व, टेन माइनस टू इज इक्वल टू एट, सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर, देखते रहना कुछ गलती ना हो, सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर, थर्टीन माइनस टू इज इक्वल टू इलेवन, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, एंड फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, सिक्स माइनस टू इज फोर, टू माइनस टू इज जीरो, फाइव माइनस टू इज थ्री, एंड फाइव माइनस टू इज थ्री। नाउ विच वन इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो कौन कौन से हैं, कॉलम नंबर वन और कॉलम नंबर फोर में होंगे, बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, बताओ जरा कौन कौन से हैं। एक तो ये हो गया टेन, टेन टेन थ्री टू जीरो, जितना माइनस किया है मैंने अभी उतना ही प्लस करना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट में। तो टेन प्लस टू, ठीक है, थ्री प्लस टू फाइव, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, ठीक है, सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट, और यहाँ हो जाएगा थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, और जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो कहलाती है वो रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स कहलाती है, जब हम जो हम ये मैट्रिक्स हम इटरेशन नंबर टू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में तो हम पहले उसमें तो हम करते हैं रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स लेते हैं, जब हम रो और कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जब हम टिक और अनटिक करके और ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो मैट्रिक्स आती है वो रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स कहलाती है। अब रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स में जो बाकी के एलिमेंट है वो मैंने एज इट इज उतार दिए। तो यहाँ पर सिक्स आ गया, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ पर डी कॉलम में जीरो है, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा जीरो, यहाँ भी आ गया जीरो, यहाँ आ गया फोर, और यहाँ आ गया सेवन जीरो फाइव टू, यहाँ आ गया फाइव फोर जीरो सिक्स, और यहाँ पर डमी वाले में तो जीरो जीरो ही था, ठीक है भाई। यहाँ तक आ गया समझे। अब क्या करेंगे, अगेन वी विल गिव द असाइनमेंट, ठीक है, आगे बढ़े। जीरो फोर, कोई गलती तो नहीं हो रही है? नो सर, ठीक है।
ठीक है भैया, असाइनमेंट देते हैं इसमें. नाउ सी, इन रो नंबर वन सिंगल नो जीरो है? नहीं है. रो नंबर टू में नो सिंगल जीरो नहीं है. रो नंबर थ्री में थ्री सिंगल जीरो है. और है जैसे ही सिंगल जीरो मिला मैंने इसे पकड़ लिया, ठीक है. और इस सिंगल जीरो के रिस्पेक्ट में जो भी कॉलम है उसको मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया. जब मैं रो देखता हूँ तो कॉलम स्ट्राइक आउट करता हूँ, जब मैं कॉलम में देखता हूँ तो रो स्ट्राइक आउट करता हूँ. रो नंबर फोर देखो, फोर में सिंगल यस जीरो सर है. सिंगल जीरो है तो कॉलम वाला जीरो मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया, ठीक है. रो नंबर फोर हो गया. रो नंबर फाइव देखो, सिंगल जीरो है. सर यस, सिंगल जीरो इज दिया तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने ये वाला जीरो स्ट्राइक आउट कर दिया. नाउ रो नंबर सिक्स में कोई भी सिंगल जीरो नहीं है, ठीक है. नाउ आई विल कम टू द कॉलर नंबर वन. कॉलर नंबर वन में कोई जीरो अवेलेबल नहीं है. कॉलर नंबर टू में दो जीरो है. कॉलर नंबर में दो जीरो है, मैं ऐसे असाइन नहीं कर सकता. कॉलर नंबर थ्री में कोई जीरो अवेलेबल नहीं है. कॉलर नंबर फोर में कोई जीरो अवेलेबल नहीं है. कॉलर नंबर सिक्स, कॉलर नंबर फाइव में जीरो है, ठीक है. कॉलर नंबर फाइव वाला जो जीरो है इसको मैंने असाइन कर दिया. इसको जब असाइन किया तो यहाँ पर क्रॉस लगा दिया. ना देखो, कॉलर नंबर सिक्स में कोई सिंगल जीरो है? नहीं है, ठीक है. कॉलर नंबर सिक्स में कोई सिंगल जीरो नहीं है. अगेन आई विल गो फॉर गिविंग द असाइनमेंट बाय रो. तो रो नंबर वन में देखो आप, रो नंबर वन में कोई सिंगल जीरो है? नहीं है. रो नंबर टू, रो नंबर टू में कोई सिंगल जीरो यस सर है? अवेलेबल जीरो, क्योंकि ये वाला तो स्ट्राइक आउट हो गया है. तो देर इज अ सिंगल जीरो अवेलेबल. इसको मैंने असाइन कर दिया और यहाँ पर स्ट्राइक आउट कर दिया, ठीक है भाई. इसको मैंने यस स्ट्राइक आउट कर सर दिया. नाउ हम किस पे कर रहे थे? रो नंबर टू पे कर रहे थे. रो नंबर थ्री, रो नंबर फोर, रो नंबर फाइव. कितने असाइनमेंट हो गए अभी? वन टू थ्री, अभी फाइव भी फाइव ही है. नाउ कॉलम अभी नंबर टू में आ कॉलम जाएगा। नंबर टू में आ जाएंगे. रो नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. नाउ कॉलर नंबर वन में कोई अवेलेबल नहीं है. कॉलर नंबर टू टू में में देख लिया, ठीक है. अब बताओ, जीरो अवेलेबल है? नो सर कोई सर जीरो अवेलेबल है? कोई जीरो अवेलेबल नहीं है, ठीक है. तो हमारा जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे अपना ओरिजिनल क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है. ओरिजिनल क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो रखा था, ठीक है. इसमें आप देखो, ठीक है. यहाँ पर देखो सेल नंबर वन टू, सेल नंबर टू सिक्स, इस तरीके से देखो आपकी पोजीशन कौन कौन सी है. सेल नंबर वन टू यहाँ पर हो गया 12, ठीक है भाई. ये हो गया 12. और कौन सी पोजीशन है? एक ये वाली पोजीशन ट्वेल्व है 12. ट्वेल्व 12 प्लस एक पोजीशन है हमारी ये 3 वाली, प्लस 3 एक पोजीशन हो गई हमारी डी, सिक्स एक 6 हो गई, प्लस 6 प्लस ई एस, ई और एस में हो गया, ई टू एस हो गया 7, ठीक है. तो 0 ही होगा, डमी मैट्रिक्स है, 0 है. तो कितना हो गया? 12 प्लस 12, 24 प्लस 3, 27 प्लस 6, 27 प्लस 6 कितना हो गया टोटल? नहीं, 33 और सेवन फोर्टी 40 हो आया। गया. कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, ये गलत कर दिया. देखो यहाँ असाइनमेंट कितना है, यह है हमारा असाइनमेंट है ए के रिस्पेक्ट में 2 है, तो ये वाला होगा, ये वाला थोड़ा होगा, ठीक है. तो यहाँ पर 12 नहीं होगा, 38 हो गया फिर। यहाँ पर आएगा 10, ठीक है. तो ये 38 रुपीज, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन करो, देखो बहुत आसान है. ये आप ही लोग करो, फिर उसके बाद लेक्चर एंड कर देंगे. 5 मिनट लगेंगे इसमें. अ कंपनी हैज अ टीम ऑफ 4 सेल्समैन एंड देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट वेयर द कंपनी वॉन्ट्स टू स्टार्ट इट्स बिजनेस. आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट द कैपेबिलिटी ऑफ द सेल्समैन, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड टीएसपी. तो बहुत ही ये एक कॉमन, टीएसपी, टीएसपी स्टैंड फॉर ट्रेवलिंग सेल्स प्रॉब्लम.
ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, आफ्टर टेकिंग इन टू द अकाउंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द सेल्समैन एंड द नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द कंपनी एस्टिमेट दैट प्रॉफिट पर डे इन रुपीज फॉर ईच सेल्समैन इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज गिवन इन द मैट्रिक्स. फाइंड द असाइनमेंट ऑफ द सेल्समैन टू द वेरियस डिस्ट्रिक्ट विच विल यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, तो कंपनी के पास कुछ सेल्समैन है, कितने सेल्समैन है, 4 सेल्समैन है, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 4 ही डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए. ठीक है, तो कंपनी को ये डिसाइड करना है कि कौन से सेल्समैन को कौन से डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए. सेल्समैन नंबर 1, 2, 3, 4 किस सेल्समैन को कौन से डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए, सो दैट उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए. उसको मालूम है, जैसे कोई एक्स पर्सन है, ही नोज वेरी वेल अराउंड देयर, मतलब जहां पर उसका जो नेटिव प्लेस है उसके आसपास अगर वो मार्केटिंग करेगा तो वो ज्यादा कामयाब होगा, रेदर देन अगर नॉर्थ वाले को अगर मैं साउथ की तरफ भेज दूं, मैं बोल दूं भैया महाराष्ट्र में जाके तुम्हें मार्केटिंग करनी है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा. तो ही नोज वेरी वेल, मैनेजर आपको मालूम है कि किस सेल्समैन की क्या कैपेबिलिटी है, अगर मैं उसको इस एरिया में भेजूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा, या फिर ऐसे भी नहीं देखेगा, बेस्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंस. हो सकता है वो 3-4 महीने तक ट्रायल करके देखे, अलग अलग सेल्समैन को अलग अलग सिटीज में भेज के देखे, और उसके बाद ये कंक्लूजन निकाले कि इस सेल्समैन को मैं अगर मैं इस सिटी में भेज रहा हूँ तो पर्टिकुलर मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है. तो दिस मैट्रिक्स इज गिवन, प्रॉफिट मैट्रिक्स इज गिवन, अगर मैं सेल्समैन ए को अगर मैं आर में भेजूंगा तो ये इतना प्रॉफिट हो जाएगा 14 रुपीज का. ठीक है, रुपीज भी हो सकता है, इंटू 10 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, 1400 रुपीज भी हो सकता है, एक यहाँ पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है. ठीक है, तो एक हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कैन बी अप्लाई डायरेक्टली द असाइनमेंट मॉडल इनटू दिस क्वेश्चन. बस ये अब मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, 4x4 की मैट्रिक्स है. कैन आई अप्लाई असाइनमेंट मॉडल डायरेक्टली टू दिस क्वेश्चन और वी नीड टू डू सम अनदर स्टेप? जीरो करने पड़ेंगे. हाँ, क्या करना पड़ेगा, सबको मिनिमाइज करना पड़ेगा. तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में करते थे वही काम यहाँ भी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू अ मिनिमम प्रॉब्लम. मिनिमम प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिनिमम एलिमेंट, जो मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 16 रुपए का प्रॉफिट है. तो रो नंबर 1 में 16 को माइनस कर दूंगा मैं, 16 में से माइनस कर दूंगा बाकी एलिमेंट को. तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2, 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5. तो वैसा ही करते थे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में. व्हेन वी कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमम प्रॉब्लम, तो हम ऐसे ही करते थे ट्रांसपोर्टेशन में और ऐसा ही कर रहे हैं हम असाइनमेंट में. तो हेयर विच वन इज मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 15, तो 15 में से मैं माइनस कर दूंगा बाकी एलिमेंट को. 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 15 माइनस 14 इज इक्वल टू, ओके थोड़ा सा मैं गलत बता गया, करेक्ट कर देता हूँ अपने आपको. मैक्सिमम एलिमेंट पूरी मैट्रिक्स में देखूंगा मैं. ठीक है, आई विल सी द मैक्सिमम एलिमेंट इन एंटायर मैट्रिक्स. तो एंटायर मैट्रिक्स में मैक्सिमम कितना है, 16. तो 16 में से मैं माइनस करूंगा, 16 में से माइनस करूंगा ये 0 हो जाएगा. 6, 16 माइनस 14 2, 16 माइनस 14 5, 16 माइनस 14 2, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 15 1 1 3, 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 13 3 4 2 और 1 0 6 2 5 2 5 1 1 1 1 3 4 3 4 2 1. तो ये हमारी नई मैट्रिक्स आ गई. नाउ आई कैन अप्लाई असाइनमेंट मॉडल. अब कर लोगे तुम लोग, करके बताओ मुझे. ठीक है, 5 मिनट का क्वेश्चन है ये, इसमें कहीं
पहली बार में ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा, जरा करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट वी विल डू द रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स, हो जाएगा? एनीवन इज ट्राइंग, कोई ट्राई कर रहा है? सर करेंगे, ट्राई करेंगे सर। ट्राई करोगे नहीं, अभी कर लो, 5 मिनट में हो जाएगा। कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं रो में देखूंगा मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, रो में मिनिमम एलिमेंट देखूंगा। यहां पर है हमारा जीरो, तो जीरो को माइनस कर दूंगा। फिर हम रो नंबर टू में देखूंगा, मिनिमम एलिमेंट इज वन, टू माइनस वन फाइव, माइनस वन वन, माइनस वन एंड वन माइनस वन। फिर रो नंबर थ्री में देखूंगा, मिनिमम एलिमेंट इज वन, चेक करो इतना ही आ रहा है सबका, रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स का इतना ही आ रहा है, आया किसी का? यस सर। अब रो में हमने चेक कर लिया, आप कॉलम में देख लेते हैं। कॉलम में जब देखेंगे तो वी विल गेट बाय डिफॉल्ट अपने आप जीरो सब में आ गया। आप देखो कॉलम नंबर वन टू थ्री, चारों में, चारों ही कॉलम में जीरो आ गया। तो कॉलम में करने की जरूरत ही नहीं है, रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर द कॉलम हमें करने की जरूरत ही नहीं है, पहले स्टेप में ही काम हो गया। जब हमने रो को रिड्यूस किया तो हमने देखा कि कॉलम में भी ऑटोमेटिकली कोई एक सिंगल जीरो आ गया। सर आंसर 61 है क्या प्रॉफिट? आंसर आंसर इज 61, सही है। मैक्सिमम प्रॉफिट पर डे 61 रुपीज होगा, ठीक है, यही आ रहा है देखो असाइनमेंट, यही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो हम मैं करके दिखा देता हूँ उसे। सिंगल जीरो देखा है मैंने रो नंबर वन में, ये सिंगल जीरो हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जीरो मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। नो, रो नंबर टू में सिंगल जीरो नहीं है, रो नंबर थ्री में मुझे सिंगल जीरो मिला, इसके रिस्पेक्ट में कोई भी कॉलम का स्ट्राइक आउट नहीं हो रहा है। रो नंबर फोर में सिंगल जीरो मिल गया, ठीक है, इसको स्ट्राइक आउट कर दिया। कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू में कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है, कॉलम नंबर थ्री में अवेलेबल है सिंगल जीरो, मैंने कर दिया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया, एंड नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू 4, इट मींस दिस इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो आंसर इसके, इफ आई वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट 61 आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मुझे देखना है, ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाऊंगा, जो सब क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दे रखी थी, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसको मैं देखूंगा, और क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स थी यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस बी टू आर गया और सी टू क्यू, बी टू आर सी टू क्यू एंड डी टू एस। तो ये असाइनमेंट हमारे पास आई, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 61, फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट केस इज रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो अगेन 4 न्यू मशीन, लेट अस टेक एन अमेरिकन, 4 न्यू मशीन्स ए बी सी डी आर टू बी असाइंड इन अ मशीन शॉप, देयर आर 5 प्लेसेस पी क्यू आर एस टी अवेलेबल, बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन बी कैन नॉट बी प्लेस एट आर एंड सी कैन नॉट बी प्लेस एट बी। तो मतलब कुछ फ्लोर स्पेसेस हैं, कोई कंपनी है उसमें फ्लोर स्पेसेस हैं, 5 फ्लोर स्पेसेस हैं, 4 मशीन है, तो कुछ लिमिटेड स्पेस है, कुछ मतलब मशीन की डायमेंशन ऐसी है कि एवरी प्लेस पे नहीं रखा जा सकता है, तो एक लिमिटेशन दे रखी है, दैट मशीन बी कैन नॉट बी प्लेस्ड एट आर एंड सी कैन नॉट बी प्लेस्ड एट पी। द असाइनमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन्स आर गिवन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स,
फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। ठीक है, तो फाइव स्पेसेस आर देयर, फोर मशीन्स आर देयर, जहां भी रेस्ट्रिक्शन है उसको मैंने डैश से दिखा दिया। ठीक है, ऑप्टिकल ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल, द असाइनमेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन्स आर गिवन इन द फॉलोइंग। ठीक है, कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है। अब मुझे ये पता है कि दिस मशीन, ये मशीन पी स्पेस में नहीं जानी है और बी मशीन आर स्पेस में नहीं जानी है। नाउ यू कैन सी देर आर फोर कॉलम, सॉरी फोर रोज एंड फाइव कॉलम, फोर बाई फाइव की मैट्रिक्स है। तो पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा, वी नीड टू कन्वर्ट इट इन टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट है, यहाँ पर मुझे एक ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी कि यहाँ पर मैं असाइनमेंट देने की पेनल्टी बहुत लार्जर हो। ठीक है, तो लेट अस प्रोवाइड दिस बिग क्वांटिटी एम, जैसे कि हम लोग पहले भी करते थे, वेयर एम इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक लार्जर वैल्यू हमने दे दी एम, विच इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। नाउ अगेन व्हेन वी गिव दिस एम, इसका मतलब ये है कि अब इसको असाइनमेंट हम देंगे ही नहीं। क्या आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस जगह कभी पर जो है जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने एक लार्ज क्वांटिटी असाइन कर दी। नाउ कन्वर्ट इट इनटू स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके लिए एक डमी मैट्रिक्स मैंने बनाना दी, जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट असाइनमेंट। तो यहाँ पर अगर इतना पहले हमने रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट में एम दे दिया, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बना ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू रिड्यूस द मैट्रिक्स। तो रिड्यूस द कॉस्ट मैट्रिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, इन द रो नंबर वन विच वन इज मिनिमम एलिमेंट, दिस फोर इज मिनिमम एलिमेंट, दिस फोर इज मिनिमम एलिमेंट, तो फोर माइनस फोर इज जीरो, सिक्स माइनस फोर इज टू, टेन माइनस फोर इज सिक्स, फाइव माइनस फोर इज वन, एंड सिक्स माइनस फोर इज टू। ठीक है, एंड रो नंबर टू विच वन इज मिनिमम एलिमेंट, फोर, फोर इज मिनिमम एलिमेंट, तो सेवन माइनस फोर इज थ्री। ठीक है, फोर माइनस फोर इज जीरो, एम माइनस फोर कितना होगा, एम माइनस फोर भाई इनफाइनाइट यानी बहुत ही एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एम, उसी तरीके से जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन में करते थे, फाइव माइनस फोर विल बी वन, फोर माइनस फोर विल बी जीरो। तो एम माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम क्वांटिटी टू, अगेन एम माइनस टू, एम माइनस टू विल बी एम, सिक्स माइनस टू इज फोर, नाइन माइनस टू इज सेवन, सिक्स माइनस टू इज फोर, एंड टू माइनस टू इज जीरो। मिनिमम क्वांटिटी इन रो नंबर फोर इज थ्री, तो नाइन माइनस थ्री इज सिक्स, थ्री माइनस थ्री इज जीरो, सेवन माइनस थ्री इज फोर, टू, ओके यहाँ थ्री नहीं होगा, ये मिनिमम क्वांटिटी क्वांटिटी इज टू, तो नाइन माइनस टू इज, करेक्ट कर लेते हैं, नाइन माइनस टू इज सेवन, थ्री माइनस टू इज वन, सेवन माइनस टू इज फाइव, टू माइनस टू इज जीरो, एंड थ्री माइनस टू इज वन। नाउ इन यहाँ नो नीड टू कैलकुलेट, यार सब जीरो ही जीरो है यहाँ पर। तो ये तो हो गई हमारी रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स, जो हमने रो ऑपरेशन लगाया। क्या कॉलम ऑपरेशन लगाने की जरूरत है यहाँ पर, एक कॉलम में तो मिनिमम डमी में जीरो ही है, जीरो ही है, उसमें जरूरत ही नहीं है। तो वी कैन चेक इन ईच कॉलम और एंड इन ईच रो वी हैव जीरो, तो ऑलरेडी जीरो हमारे पास आ गया है, तो आगे हमें रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करें, वी विल स्टार्ट गिविंग असाइनमेंट। तो चेक द रो नंबर वन, इज देयर इज एनी सिंगल जीरो, यस इट इज देयर, रो नंबर वन में सिंगल जीरो है, मैंने उसको असाइन कर दिया और उसके रिस्पेक्ट में कॉलम वाले जीरो को क्रॉस आउट कर दिया। अब देखो, आप देखोगे एम में कुछ आएगा ही नहीं, एम का रोल जो है इस तरीके से है, कहीं जब जीरो नहीं होगा तो असाइनमेंट नहीं होगा, क्योंकि असाइनमेंट हमें देना भी नहीं था, बिकॉज देर वॉज अ रेस्ट्रिक्शन बिटवीन बी टू आर एंड सी टू पी। तो वहां पर मैंने एम दे दिया, तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन आना ही नहीं है कभी जीरो,
आना ही नहीं है, बस बाकी का न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, नो ये तो हो गया आपका, स्ट्राइक आउट कर दिया। नो चेक रो नंबर टू, रो नंबर टू में कोई सिंगल जीरो है? नहीं है, स्किप कर दिया मैंने। रो नंबर थ्री में सिंगल जीरो है? यस इट इज देयर, इट इज अवेलेबल, तो इसको मैंने असाइन कर दिया और बाकी को स्ट्राइक आउट कर दिया। ठीक है, नाउ चेक रो नंबर फोर, रो नंबर फोर में क्या सिंगल जीरो है? यस इट इज देयर, रो नंबर फोर में भी सिंगल जीरो है, तो सिंगल जीरो दे दिया और इसको स्ट्राइक आउट कर दिया। रो नंबर फाइव, रो नंबर फाइव में सिंगल जीरो नहीं है। नाउ चेक द कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर वन में कोई जीरो अवेलेबल नहीं है, कॉलम नंबर टू में सिंगल जीरो अवेलेबल नहीं है, कॉलम नंबर थ्री में सिंगल जीरो अवेलेबल है, तो लेट अस गिव असाइनमेंट टू दिस सिंगल जीरो। तो जैसे इसे सिंगल जीरो दिया, ये स्ट्राइक आउट कर दिया। ठीक है, कॉलम नंबर फोर में कोई जीरो अवेलेबल नहीं है, कॉलम नंबर फाइव में कोई जीरो अवेलेबल नहीं है। नाउ चेक अगेन, चेक रो नंबर वन, रो नंबर वन में कोई जीरो अवेलेबल नहीं है, रो नंबर टू में सिंगल जीरो अवेलेबल है। ठीक है, रो नंबर थ्री फोर फाइव, नाउ नो जीरो इज देयर, पूरी मैट्रिक्स में कोई भी जीरो नहीं है। लेट अस चेक वेदर इट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन और नॉन ऑप्टिमल। बताओ ये ऑप्टिमल नजर आ रहे हैं, नॉन ऑप्टिमल नजर आ रहा है? ऑप्टिमल आ रहा है सर, पांच आ गए। पांच आ गया, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, और विच शुड बी इक्वल टू, आइदर इक्वल टू रो और इक्वल टू कॉलम। ठीक है, रो या कॉलम में से किसी के एक बराबर होने चाहिए, तो ये पांच के बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए। नाउ वी कैन कैलकुलेट द आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट वी नीड टू सी द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें देखनी पड़ेगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स इस असाइनमेंट जो हुआ है हमारा, इस लोकेशन पे हुआ है, वन टू, सो लेट अस चेक द आंसर। नेक्स्ट आंसर इज रिटन हियर, सो लेट अस चेक द असाइनमेंट, वन टू थ्री फोर। ठीक है, सही लोकेशन पे आ रही है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी 12 हो जाएगी, इसको आप प्लस कर सकते हो, वन टू दिस दिस, और एक इस लोकेशन पे आ रही थी जो कि डमी वाला था, तो फोर प्लस फोर प्लस टू प्लस टू, फोर प्लस फोर प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू 12, तो 12 इज द आंसर, नेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इन दिस अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन यू विल गेट लॉट्स ऑफ जीरो। ठीक है, जहां पर जीरो और जीरो में टाई हो जा रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, then it is said to be a alternate optimal solution. So let us take a question. Square matrix is given. So first हम क्या करेंगे? First we reduce the cost matrix by row operation. तो यहाँ पर देखो minimum element क्या है? 2. यहाँ minimum element है 4. यहाँ है 7. यहाँ है 3. तो यहाँ पर सब 0-0 आ गया. पहला operation हो गया. ठीक है? तो row number 1 में से हमने minimum element सब्सट्रेट कर दिया, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री और फोर में मिनिमम एलिमेंट सब्सट्रेट कर दिया। नाउ वी विल परफॉर्म रिड्यूस मैट्रिक्स फॉर कॉलम। ठीक है, कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर वन में ऑलरेडी जीरो अवेलेबल है, जरूरत नहीं है। कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर टू में मिनिमम एलिमेंट कितना, कोई भी जीरो नहीं है, तो मिनिमम एलिमेंट है वन, तो वन को माइनस कर देंगे हम, यानी वन माइनस वन विल बी जीरो, वन माइनस वन विल बी जीरो, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन विल बी वन। तो यहाँ देखो अगेन कॉलम नंबर थ्री में भी कोई जीरो नहीं है, यहाँ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, मिनिमम एलिमेंट इज टू, तो टू को माइनस कर देंगे, टू माइनस टू, टू माइनस टू, टू माइनस टू, यहाँ पर तीन जीरो आ गए, फाइव माइनस टू विल बी थ्री, मिनिमम एलिमेंट इज वन इन द कॉलम नंबर फोर, टू माइनस वन, टू माइनस वन, वन माइनस वन एंड वन माइनस वन, तो ये एक रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स आ गई हमारी दो ऑपरेशन लगाने के बाद। ठीक है, आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत कई बार हम कर चुके हैं। तो वी हैव फाउंड अ रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स आफ्टर रिड्यूसिंग बाय रो एंड आफ्टर रिड्यूसिंग बाय कॉलम, तो दो स्टेप होने के बाद ही हमें रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स मिल गई। नाउ वी कैन स्टार्ट गिविंग असाइनमेंट टू दिस कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे हम, तो आप देख सकते हो इस प्रॉब्लम में बहुत सारे जीरो आ गए, जब बहुत सारे जीरो आ गए तो जीरो के और जीरो के बीच में टाई भी होना पूरी पॉसिबिलिटी है, कि जीरो और जीरो के बीच में
टाई हो जाए, ठीक है? तो लेट अस टेक रो नंबर वन, इज देयर एनी सिंगल जीरो? कोई जीरो नहीं है. रो नंबर टू, कोई भी सिंगल जीरो नहीं है. रो नंबर थ्री में कोई सिंगल जीरो नहीं है. रो नंबर फोर में कोई भी सिंगल जीरो नहीं है. चेक द कॉलम नंबर वन, नो सिंगल जीरो इज देयर. कॉलम नंबर टू, नो सिंगल जीरो इज देयर. कॉलम नंबर थ्री, नो सिंगल जीरो इज देयर. कॉलम नंबर फोर, नो सिंगल जीरो इज देयर. नाउ अगेन गोइंग टू रो नंबर वन. अब क्या करेंगे बताओ भाई? यहाँ पर टाई हो रहा है, जीरो जीरो और जीरो, इन तीनों जीरो के बीच में टाई हो रहा है. तो क्या ऑप्शन है मेरे पास, क्या करूं मैं इस केस में? मुझे रेंडम चूज करना पड़ेगा, ठीक है? और इफ आई एम चूजिंग दिस रेंडम, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है. जो फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो भाई क्या करें, रेंडम चूज, मैं ये वाला चूज कर लू? थोड़ा रिस्पॉन्स करो भाई, इसको मैं चूज कर लेता हूँ रेंडमली, ठीक है? नेक्स्ट ऑपरेशन में मैं इसको इस कॉलम, इस वाले जीरो को चूज करके देखेंगे. नाउ आई एम चूजिंग दिस सेल रेंडमली. तो व्हेनेवर देयर इज अ टाई बिटवीन टू जीरो, दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल और अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो जैसे मैंने ये जीरो चूज किया, क्या हो गया, बाकी करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम के जीरो को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया. नाउ अगेन गोइंग टू रो नंबर टू. रो नंबर टू में फिर से देखो, यहाँ पर टाई हो गया. तो मैं क्या करूंगा, मैं रेंडमली चूज कर लूंगा. आई विल चूज इट रेंडमली, ठीक है? तो जब इसको चूज किया तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को क्रॉस आउट कर दिया. चेक द रो नंबर. ओके, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मुझे स्किप करना था. इसको चूज किया, स्ट्राइक आउट हो गया. अब यहाँ रो नंबर टू को हमने चूज किया, ठीक है? रो नंबर टू में कोई सिंगल जीरो नहीं है. रो नंबर थ्री में कोई सिंगल जीरो नहीं है. रो नंबर फोर में सिंगल जीरो मिल गया मुझे. बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो आप लोग. रो नंबर फोर में सिंगल जीरो मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को स्ट्राइक आउट कर दिया. नाउ चेक फॉर कॉलम. कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर टू में कोई सिंगल जीरो नहीं है. कॉलम नंबर थ्री में कोई सिंगल जीरो नहीं है. फिर से देखो, अब रो नंबर वन पे है, नो जीरो इज अवेलेबल. रो नंबर टू, फिर से देखो, दो इन दोनों जीरो में टाई हो गया. तो मैंने क्या किया, रेंडमली चूज कर लिया, रेंडमली चूज कर लिया. इसको स्ट्राइक आउट कर दिया, इसको स्ट्राइक आउट कर दिया. नाउ गो टू द रो नंबर थ्री, ठीक है? रो नंबर थ्री को ये सिंगल जीरो मुझे रो नंबर थ्री में मिल गया. नाउ ऑल जीरोज आर आइदर असाइंड और क्रॉस आउट. तो फाइनल फिजिबल सॉल्यूशन इज, फिजिबल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स. तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, असाइनमेंट हमने ये डायगोनली असाइनमेंट दी है, तो टोटल कॉस्ट विल बी 2 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 4, ठीक है? तो कितना हो गया ये, 19 रुपीज. 5 प्लस 2 प्लस 7 20. ये आ गया हमारा 20 रुपीज, ठीक है? नाउ सेकंड सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्या आप लोग? कैन यू सॉल्व द सेकंड सॉल्यूशन? क्या करेंगे सेकंड सॉल्यूशन में भाई? हमने सब रोज और कॉलम में हमने चेक करिया, कोई भी सिंगल जीरो नहीं है. फिर व्हेन अगेन वी कम टू द रो नंबर वन, पहले हमने क्या किया था, ये वाला जीरो सेलेक्ट किया था, ठीक है? रेंडमली हमने ये वाला जीरो सेलेक्ट किया था. नाउ ये वाला जीरो सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ये वाला जीरो सेलेक्ट कर लेता हूं. लेट अस से व्हाट हैपेंड दिस टाइम इन द सेकंड सॉल्यूशन. इन द सेकंड ऑपरेशन आई एम चूजिंग दिस जीरो इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है? तो रेंडमली मैंने ये सेकंड जीरो चूज कर लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जीरो स्ट्राइक आउट हो गया, ये भी स्ट्राइक आउट हो गया, ठीक है? नाउ रो नंबर टू कोई भी जीरो नहीं है सिंगल. रो नंबर थ्री में कोई जीरो नहीं है. रो नंबर फोर में कोई जीरो नहीं है. कॉलम नंबर वन में कोई जीरो नहीं है. कॉलम नंबर टू में अवेलेबल नहीं है. कॉलम नंबर थ्री में कोई जीरो नहीं है. कॉलम नंबर फोर में कोई जीरो सिंगल नहीं है. नाउ अगेन गो टू रो नंबर टू. अब रो नंबर टू में फिर से टाई हो गया, तो मैं क्या करूंगा, रेंडमली मैंने ये वाला जीरो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? इस जीरो को सेलेक्ट करने से क्या हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम वाले जीरो मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया,
नाउ गो टू द रो नंबर थ्री, कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है। रो नंबर फोर में सिंगल जीरो अवेलेबल है, सिंगल जीरो अवेलेबल है, तो इसको करस्पॉन्डिंग जीरो को मैंने क्रॉस आउट कर दिया। नाउ कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर थ्री, गो टू द कॉलम नंबर थ्री, वन जीरो इज अवेलेबल। ठीक है, नाउ असाइनमेंट इज कंप्लीटेड एंड इट इज अ ऑप्टिमल असाइनमेंट बिकॉज नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू फोर विच इज द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर बाई फोर की मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ असाइनमेंट भी फोर ही है। ठीक है भाई, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। असाइनमेंट याद रखो हम कौन से कॉलम पे है, यहाँ पर है। इस असाइनमेंट की लोकेशन याद रखो, वन टू थ्री फोर। ठीक है, नाउ सी व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट। एक असाइनमेंट यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पर दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, सही है ना? ऐसी ऐसी दी थी ना, थ्री प्लस फोर प्लस नाइन प्लस कितना आ रहा है, ट्वेंटी, ट्वेंटी आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, एक दो सॉल्यूशन और निकाल के देखो। आप एक सॉल्यूशन और निकालते हैं, लेट अस ट्राई सॉल्यूशन नंबर थ्री। इसके करीब सात आठ सॉल्यूशन होंगे और जितनी बार भी आप इटरेशन करोगे क्या मिलेगा आपको, 20 आएगा, सेम आंसर मिलेगा। तो लेट अस चूज अनदर जीरो। पहले हमने ये वाला जीरो इटरेशन नंबर वन में यूज किया था, फिर ये वाला जीरो चूज किया था, नाउ वी चूज दिस। ठीक है, तो लेट अस ट्राई दिस, दिस टाइम आई एम चूजिंग दिस जीरो। ठीक है, इस जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये स्ट्राइक आउट हो गया, ये भी स्ट्राइक आउट हो गया। ठीक है, नाउ इन द रो नंबर टू नो सिंगल जीरो, रो नंबर थ्री नो सिंगल जीरो एंड रो नंबर फोर नो सिंगल जीरो इज देयर। कॉलम नंबर वन नो जीरो सिंगल जीरो, कॉलम नंबर टू कॉलम नंबर फोर में भी कोई सिंगल जीरो नहीं है। तो रो नंबर टू में देखा हमने दो सिंगल जीरो हैं, तो आई हैव टू चूज द रैंडमली। तो रैंडमली आप कोई सा भी चूज करो, आप जो कहो मैं चूज करके दिखा दूंगा। आप कौन सा वाला करूँ, ये वाला करूँ या ये वाला करूँ? राइट वाला, राइट वाला कर लेते हैं चलो। ठीक है, तो राइट वाला चूज करेंगे। तो व्हेन आई एम चूजिंग दिस रैंडमली, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये क्रॉस हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट रो नंबर थ्री में कोई भी सिंगल जीरो नहीं है, रो नंबर फोर में कोई सिंगल जीरो नहीं है, कॉलम नंबर वन में कोई सिंगल जीरो नहीं है, कॉलम नंबर टू में कोई सिंगल जीरो नहीं है, थ्री में भी सिंगल जीरो नहीं है, फोर में भी सिंगल जीरो नहीं है। तो फिर से मैं रो नंबर थ्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ। रो नंबर थ्री में लेट अस सेलेक्ट दिस जीरो। ठीक है, इस जीरो को सेलेक्ट कर लेंगे, ये स्ट्राइक आउट हो गया, ये स्ट्राइक आउट हो गया। ठीक है, इन रो नंबर फोर दिस जीरो इज सेलेक्टेड, सिंगल जीरो इज देयर, नाउ ऑप्टिमल असाइनमेंट हैज रीच्ड, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू फोर। नाउ चेक द सॉल्यूशन, फिर से हम चेक करते हैं। ये याद रखना, ये डायगोनली ऐसे दिया है और ये ऐसे दिया है। लेट अस कैलकुलेट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैसे दी थी हमने, ये थे ना तीन असाइनमेंट, इसके ऊपर वाले 4 5 7 4 5 7 4 5 7 4 5 7 और एक ये वाला था प्लस 4, राइट? तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन हो गया 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, 20 आ रहे हैं ना? ठीक है भाई, तो और कितने और, तो इसका मतलब क्या है, बार बार ही जो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं इससे हो क्या रहा है, मतलब जॉब नंबर ए जो है, अगर आप पी पे आप प्रोसेस कर रहे हो, क्यू पे प्रोसेस कर रहे हो या आर पे प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, तो ये आप किसी पे भी प्रोसेस कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। इसी तरीके से वेन एवर यू आर चूजिंग ए फॉर पी मशीन फॉर द फॉर प्रोसेसिंग जॉब ए, उसके बाद भी कई सारे अल्टरनेट सॉल्यूशन आ रहे हैं। मतलब एक बार जब इसको चूज कर रहे हो तो उसके बाद भी एक सॉल्यूशन आ रहा है, यानी कई सारे परम्यूटेशन बन रहे हैं, कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, समझ रहा ना मेरी बात? जब हम इसको ले रहे हैं तो फिर फर्दर दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसको ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 6 या 6 से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अल्टरनेट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि जॉब नंबर बी को हम अलग अलग मशीन पे बना सकते हैं, जॉब नंबर डी को हम अलग अलग मशीन पे बना सकते हैं, जॉब नंबर सी को हम अलग अलग मशीन पे बना सकते हैं, बट अवर फाइनल आंसर विल रिमेन सेम। तो फाइनल आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गए? तो और सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्या आप लोग? तो लेट अस से दिस
सॉल्यूशन नंबर वन, सॉल्यूशन नंबर टू, सॉल्यूशन नंबर थ्री, ये भी आ जाएगा। देखो इसमें अगर मिडिल का करने के बाद अगर मैं राइट वाला जीरो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन नहीं आया था हम लोगों का। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल सॉल्यूशन, तो एंड मेनी मोर। तो दिस इज द केस ऑफ इन एवरी सॉल्यूशन यू आर सीइंग द कॉस्ट इज 20। ठीक है भाई।